सो यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम तो नहीं बोला क्योंकि हम लोग रेगुलरली अपलोड करने जा रहे हैं एंड मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली एकदम सेफ हो, एकदम अच्छे से कर रहे हो एंड आपका वर्कआउट एकदम मस्त से जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। एंड मुझे ये बोलना कि जो आपने पहले चीज़ देखी वो मैंने नई चीज़ ऐड करी है अपने रूटीन में, डेली रूटीन में, वो आज से ही मैंने स्टार्ट करी है स्ट्रेचिंग करना। ये मैंने स्टार्ट क्यों करा है क्योंकि एक वीक पहले मेरे एक जिम के ट्रेनर ने बोला था कि तेरी फिजिक अच्छी है बट तुझे अपने रूटीन में ना स्ट्रेचिंग ऐड करना चाहिए। अभी स्ट्रेचिंग ऐड करने के बहुत सारे फायदे रहते हैं। पहली, रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल मैंने लेग्स करा था एंड रात को बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली लेग्स के बाद क्रैम्प्स बहुत आते अपने पैरों में, तो वही क्रैम्प्स बहुत आ रहे थे एंड सुबह उठ के भी मेरे मसल बहुत सोर थे। तो उठा मैं, फ्रेशन अप हुआ, थोड़ा देर बैठा ऐसे, बाद में मैंने 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेच करा अपनी लोअर बॉडी एंड अपर, मतलब अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करा अच्छे से एंड द आउटकम, अभी मेरी सोरनेस थोड़ी कम है, अभी इजीली मूव कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा रीज़न है, आपको स्ट्रेचिंग इंक्लूड करना चाहिए आपके डेली रूटीन में। सेकेंड चीज़, आपके मसल्स इतने स्टिफ नहीं रह गए। मसल्स स्टिफ रहने का क्या मतलब, अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, लाइक मैं जब भी फुटबॉल खेलता था तभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करता था एंड मेरा इतना स्टिफनेस नहीं था, मैं बहुत फ्लेक्सिबल था क्योंकि मैं आराम से टो टच कर पाता था एंड अभी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मैं टो टच नहीं कर पाता आराम से, मुझे ऐसा एक लेग से ही करना पड़ता, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। पहले मैं दोनों लेग का टो टच कर पाता था एकदम आसानी, मेरा हेड अपने नी को टच करता था एंड टोज तो लेके जाता था, इतना अच्छा स्ट्रेचिंग होता था। बट अभी नहीं होता है क्योंकि मैंने स्ट्रेचिंग बंद कर दिया, तो फ्लेक्सिबल नहीं है अब मैं इतना, मेरे मसल्स बहुत स्टिफ है, मैं बहुत स्टिफ मूवमेंट रहेगा मेरा। तो अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपका स्टिफनेस निकलेगा एंड आप अच्छे कर सकते हो। ये आपके जॉइंट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आप एकदम फ्रीली मूव कर सकते हो, एकदम अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपकी। एंड थर्ड जो रहेगा वो आपका मसल्स थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि मसल्स थोड़ा अच्छा दिख के आएगा क्योंकि आप अगर फ्लेक्स करोगे क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे मसल्स स्टिफ नहीं रहेंगे तो आपके मसल्स ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। सो ये रीजंस आपको ऐड करना चाहिए आपके ये डेली रूटीन में। मैंने आज से स्टार्ट करा है, थोड़ा ही किया आज क्योंकि फर्स्ट डे है, धीरे 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 हम बढ़ाएंगे अपना स्ट्रेचिंग का लेवल एंड अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। एंड आ चुका है अपना माइक, यस, जो पहले आने वाला था, रुकना भाई, रुक प्लीज। हाँ, आ चुका है अपना माइक जो हम लोग ने एक हफ्ते पहले ऑर्डर करा था, वो आ गया फाइनली। चलो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं वो कैसा है, अगर अच्छा रहा तो देखते हैं। लेट्स गो, ये रहा अपना माइक, देखते हैं कैसा है ये माइक, फटाफट इसको खोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा पहले से ही खोल के रखा था। लेट्स गो, ये माइक आता है ये दो पार्ट्स में, ये एक मी मस्त है रे माइक, छोटा एंड स्वीट सा लग रहा है। That's what she said. Okay, so ये माइक आता है ये दो पार्ट्स में। ये पार्ट को हमें अपने फोन के जो यूएसबी जो चार्जिंग पोर्ट जो चार्जिंग का केबल जिधर डालते हैं उधर डालना है। देन ये एक्चुअली असली अडाप्टर रहेगा, ये अपने माइक के थ्रू, मतलब ये अपने कैमरा के थ्रू रहेगा कनेक्टेड एंड इसमें से आवाज़ जाएगी इधर। सो इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक एंड्रॉयड के लिए जो है टाइप सी का एंड दूसरा ये लोग ने दिया आईफोन के लिए। दिखाता हूँ एकदम अच्छे से, वेट एंड वॉच। सो यस, ये है दूसरा आईफोन के लिए, ये है जो पहले से ही बिल्ट है अंदर, बहुत पैकेजिंग है। तो इसको मैं डालूंगा अपने इसमें, ये क्यूट सा छोटा सा माइक है, छोटा। इसको हम डालेंगे इधर, यूट्यूबर फीलिंग्स। एंड इसके साथ इसका चार्जिंग केबल भी आता है, इधर चार्जिंग केबल है ये इसका चार्जिंग, जो हम चार्ज करेंगे फोन का क्योंकि ब्लूटूथ है। ये रहा चार्जिंग केबल, लेट्स गो, अभी ट्राई करते हैं ये माइक कैसा है एंड देखते हैं क्वालिटी चेक। हाँ, तो ये है माइक की क्वालिटी अभी। आई डोंट नो मैं कैसा बोल रहा हूँ, धीरे बोलो या ज़्यादा बोलो। एक बार एक काम करते हैं, इधर ही रखते हैं सेम एंड एक बार ये निकालते हैं माइक को एंड दूसरा विथ माइक लेते हैं कैसा आता है, चलो देखते हैं। सो दिस इज विथ माइक का ऑडियो, अभी माइक कनेक्टेड है एंड दिस इज विदाउट माइक का ऑडियो।
देखते हैं कितना डिफरेंस है, अभी मुझे पता नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस मुझे पता नहीं कैसा है, बट अभी हम लोग विदाउट एनी टेंशन जिम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो ये इसका नॉइस कैंसिलेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिम में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड बजता है, बहुत ज़्यादा लाउड बजता है, तो उनके थोड़े छोटे से रिक्वेस्ट में वो लोग शायद से कम कर सकते हैं जिम का ऑडियो, एंड हम कर सकते हैं जिम में रिकॉर्ड एकदम अच्छे से। अभी आएंगे जिम में वीडियोस एकदम मस्त वाले। आज है अपना चेस्ट एंड बैक, प्रॉपर चेस्ट एंड बैक करेंगे, मेरा भाई भी है, अभी हम लोग जाते हैं जिम में, एंड आज एकदम रॉ रखेंगे, बात करते करते वर्कआउट करेंगे मस्त साला ये माइक की वजह से। हेलो भाई, देख भाई आ गया छोटा। व्हाट्सअप माइक माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5। कैसा आवाज आ रहा है? अच्छा यार, मैं चेक कर रहा हूँ। मेरा आवाज अच्छा ही है? मेरा कैसा है? अच्छा। अभी देख, बिना टेंशन है ना, पंखे के नीचे रह सकते हैं। वायरलेस देख, इसका ये अडाप्टर है। वायर वाला था ना? ब्लूटूथ वाला था। ब्लूटूथ तो बोला कि 20 मीटर का मुझको वायर है। 20 मीटर का नहीं, 5 मीटर का रेंज है। फाइव मीटर का रेंज बोला था इसका, 5 मीटर का रेंज है। चलो लेट्स गो। सेम हेड लिफ्ट दे दे। 3 2 1 छोड़ दे। ओके सो पीआर है 50 kg इंक्लाइन बेंच प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए कितना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स चल टू मोर सेवन निकाल दो रियान, रियान निकाल लो, दोनों निकाल दो। चल ट्रेप्स वन टू थ्री फोर सिक्स सिक्स मोर क्लाइम टू मोर एक और लास्ट है। लास्ट बोला था अभी भूख लगना चालू हो गई है। ठीक है लेट्स गो, लास्ट सेट मार ले। वन टू थ्री फोर फोर मोर फाइव I'm going to be keeping it straight. I know I was fine.
चलिए कर, हाँ कमाल लवली। ओके लास्ट सेट ऑफ केबल रोज, डबल हंड्रेड केबल रोज, 73 केजी, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स गो। One. Two. Three. Four. Try three more. Six. Yeah. Seven. Eight more. Okay. हो गया बस, अभी लास्ट रेडल्ट बाकी है। लेट्स गो, चलो। यस, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मैंने चार एक्सरसाइजेस रिकॉर्ड नहीं की। पहली केबल फ्लाइज, मैंने वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे इधर का केबल स्टेशन हमेशा भरा हुआ रहता है। मेरे इधर का क्या, हर जिम का केबल स्टेशन हमेशा भरा रहता है, तो सबको ऐसा ऑल्टरनेट में करना था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दूसरी एक्सरसाइज थी पुशअप्स, पुलअप्स एंड रेडल्ट फ्लाइज, मतलब रिवर्स पेक डेक फ्लाई। मैं ये चारों कर नहीं पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए नहीं कर पाया। बट टेंशन नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। एंड मैं आउटर देना भूल गया था, इसलिए अभी मेरी बियर्ड थोड़ी एंड थोड़ा 12 बज गया क्योंकि मैं अभी एडिटिंग कर रहा था एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने आउटर नहीं दिया। तो अभी हम लोग आउटर देते हैं, ख़त्म करते हैं, अभी इम्पोर्ट करूँगा, सब एडिट करूँगा एंड अपलोड करेंगे। एंड आप ज़रूर कमेंट में डालना आपको कौन सा वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ऐसा एकदम रॉ जिसमें मैं बातें कर रहा हूँ एकदम मस्त, मतलब हम लोग ऐसा ही रॉ वर्कआउट कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैं कौन से इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, मैं कितना फेलियर हिट कर रहा हूँ। एंड या तो आप बोलो आपको एडिट वाला चाहिए, मतलब वो गाने डाल के एडिटिंग, वो बहुत बोरिंग हो जाता है आई गेस। बट आप बोलो आपको कौन सा अच्छा लगता है, मैं वही करूँगा। कमेंट डालो जो आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट में डालो। एंड एम करते हैं 30 कमेंट्स का, जो भी देख रहा है बस 30 कमेंट्स करा दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना एंड दिल से अच्छा लगा तो 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना एंड वो 3 दोस्तों को बोल देना कि आगे 3 दोस्तों को शेयर करने को। जय हो। सो यस, अभी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, पीस। अभी शांति से पंखे के नीचे बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हो खुशी।